अब जैसे कि अगर आप सबको पता है हमारे गेम के अंदर गिल्ड रिलेटेड इवेंट आ चुका है, जिसके एक्सचेंज के लिए आप लोग को काफी सारे यहाँ पे गोल्ड कॉइन साथ ही कुछ रिवार्ड्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं। बट आप सिर्फ से रिक्वेस्ट है, इन सारे आइटम को आप लोग फिलहाल के लिए एक्सचेंज मत करना। आपके पास कितने सारे गिल्ड टोकन है जिसे अगर बचा कर रखना, क्योंकि हमारे गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट अपडेट के साथ गिल्ड के स्टोर में काफी सारे रिवार्ड्स एड होने वाले हैं, जिसमें आप लोग को फ्री के ग्लोबल का स्किन, इमोट, बंडल, काफी सारे रिवार्ड्स मिले वाले हैं, जिसके बारे में आज के वीडियो में आप लोग को अपडेट्स बताने वाला हूँ। इसके साथ गाजर अभी फिलहाल के लिए गिल्ड ग्लोरी कंप्लीट करने पे हर सैटरडे को हमसे एक बिल्कुल में कस्टम रूम कार्ड मिलता है। बट नेक्स्ट आने वाले अपडेट से ये जो फीचर्स है बंद होने वाला है, इसके जगह पे कुछ न्यू फीचर्स आने वाले हैं, जिसके अंदर आप लोग को कस्टम रूम कार्ड कैसे दिया जाएगा आज के वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। अब गाजर गेम के तो दिवाली इवेंट आने वाला है। दिवाली इवेंट से रिलेटेड जो डेट है गिनाफी पर 27 अक्टूबर को अनाउंस किया गया है। अंडर 2 दिनों के बाद गेम के अंदर दिवाली इवेंट स्टार्ट हो जाएगा, जिससे रिलेटेड हमारे गेम के अंदर लेवल ऑफ शॉप साथ ही गाजर काफी सारे इवेंट्स आने वाले हैं। आने वाले गाजर इन सारे इवेंट्स के बारे में आज के वीडियो में आप लोग को डिटेल्स मिलने वाला है, तो जल्द से गाजर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को गाजर एक लाइक जरूर से कर देना, साथ ही अगर आप लोग इस वाले वीडियो में नहीं आ रहे हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को सेट कर रख लेना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली गाइस वेलकम बैक अगेन। तो यहाँ पे बात करने वाला है गेम के अंदर आने वाले काफी सारे अपकमिंग इवेंट्स आने वाले अपडेट के बारे में। देन सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं आज के टुडे अपडेट के बारे में। आज रात 12 बजे के बाद क्या कुछ इवेंट आने वाला है, सो मुझे ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं आप लोग को काफी पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे गेम के अंदर आने वाला बॉय डे बंडल रिंग इवेंट आने वाला। बॉय डे बंडल से रिलेटेड आप लोग को कल ये जो इवेंट है हमारे गेम के अंदर देखने मिल जाएगा, जो आने वाले नवंबर मंथ तक चलने वाला है। अगर आप लोग चाहो तो इस वाले बॉय बंडल को परचेस कर सकते हो। वैसे दिसंबर में आने वाला हमारा न्यू इवो बंडल, तो भाई मुझे लग रहा है हमारा न्यू इवो बंडल काफी बेटर रहने वाला इस ओल्ड बंडल को लेकर। तो भाई आपकी मर्जी, अगर आप लोग चाहो तो ये बंडल परचेस कर लेना, कल ये जो इवेंट है हमारे गेम के अंदर आने वाला है। सो फाइनली गाइस वेलकम बैक अगेन। तो यहाँ पे बात करने वाले हैं गेम के अंदर आने वाले काफी सारे अपकमिंग इवेंट्स एंड गाइस अपडेट के बारे में। आज ही हमारे गेम के अंदर गिल्ड से रिलेटेड आप लोग के एक एक्सचेंज इवेंट देखने मिला है, जिसमें आप लोग को बैकपैक का स्किन, पैथ का पैरासूट का स्किन साथ ही काफी सारे रिवार्ड्स दिए गए हैं। देखो गिल्ड टोकन के एक्सचेंज में आप लोग को ये सारे रिवार्ड्स दिए जा रहे हैं, जिसके आप लोग अभी फिलहाल के लिए एक्सचेंज मत करना, क्योंकि गेम के अंदर और भी काफी सारे रिवार्ड्स हमारे गिल्ड के स्टोर में ऐड होने वाला है। इसके साथ साथ और भी फ्री के काफी सारे रिवार्ड्स मिलने वाला है। मैंने आप सबको काफी पहले ही बताया था नेक्स्ट आने वाला है हमारे गिल्ड ग्लोरी का इवेंट, जिसमें आप लोग को बिल्कुल फ्री में मिलने वाला एक स्काईविंग का स्किन, जिसमें आप सभी लोग यहाँ पे बैठ सकते हो अपने टीममेट्स के साथ। ही 4 लोगों के लिए स्काईविंग का स्किन रहने वाला है। इसके बारे में मैं आप लोग को बताने वाली, इस वाले स्काईविंग को आप लोग कैसे परचेस कर सकते हो आने वाले इवेंट के साथ साथ ही, अगर आप लोग को बिल्कुल फ्री में मिलने वाला काफी सारे रिवार्ड्स। इसके साथ साथ आप लोग को वॉइस पैक भी मिलने वाला है, स्पेशल वॉइस पैक गिल्ड से रिलेटेड। साथ ही अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग रिवार्ड्स रहने वाले हैं, साथ ही अलग अलग रैंक रहने वाले हैं, जो नेक्स्ट आने वाले अपडेट के साथ आप लोग को मिल जाएगा। वीडियो में गाइस आगे बढ़ने वाले हैं और बात करने वाले आने वाले गिल्ड से रिलेटेड और भी कुछ इवेंट्स और अपडेट के बारे में, जो आप लोग को देखने मिलने वाला है। देखो गाइस गेम के अंदर जो न्यू आने वाला है गिल्ड का सिस्टम, भाई काफी यूनिक सिस्टम रहने वाला है। आप लोग को कल के वीडियो में काफी सारे रिडल्स मैंने समझाया था कि भाई आप लोग को कैसे वीवैच मिलने वाला था। देखो काफी सारे लोगों का डाउट है कि भाई उनके स्पेशल आईडी पे वीवैच दिया जाएगा। टॉप 15 के रैंक में अगर आने वाले हो तो भाई आपके मेन आईडी पे आप लोग को वीवैच नहीं देकर गिनाफी पर आपके गिल्ड को वेरीफाई करने वाला है। गिल्ड पे आपके वीवैच रहने वाला, ना कि आपके स्पेशल आईडी पे रहने वाला। अंडर आने वाला न्यू गिल्ड सिस्टम के अंदर आप लोग को 30 प्लेयर ही एक गिल्ड में रख सकते हो। 1000 गिल्ड ग्लोरी कंप्लीट करने पे, जैसा कि आपको पता है अभी फिलहाल के लिए इस अपडेट के अंदर आप लोग को गिल्ड रिवार्ड के साथ साथ आप लोग को हमारा एक कस्टम कार्ड भी सैटरडे को मिलता है। लेकिन यार आने वाला नेक्स्ट अपडेट से ये जो फीचर है गैजेट से गैजेट गिनाफी पर रिमूव करने वाला है। अब आप सभी लोग सोच रहे हैं भाई यार अगर ये फीचर हटने वाला है तो भाई हम लोग को कस्टम रूम कार्ड कैसे मिलने वाला। देखो यार स्पेशल कस्टम रूम कार्ड गिल्ड से रिलेटेड ही बनाया जाएगा। आने वाले नेक्स्ट अपडेट से आप लोग जितने सारे गिल्ड पॉइंट साथ ही यार जितने सारे आप लोग गिल्ड के टोकन कलेक्ट करने वाले हो, जिसके एक्सचेंज में आप लोग को मिलने वाला है कस्टम रूम कार्ड, जो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए ब्लू कलर का ये कस्टम रूम कार्ड रहने वाला है, जिसे आप लोग एक्सचेंज कर पाओगे। यार इस वाले कस्टम रूम कार्ड का भी लिमिट रहने वाला है, कितने बार आप लोग को एक्सचेंज कर पाओगे एक वीक के अंदर, जिसके बारे में फिलहाल के लिए कोई अपडेट नहीं है, बट यार इसके अंदर भी लिमिट रखा जाएगा। इसके साथ यहाँ पे बात करने वाले और भी कुछ रिवार्ड्स के बारे में, तो भाई रिवार्ड भी देख लीजिए कौन कौन से रिवार्ड आप लोग को मिलने वाले हैं। वैसे यार देखो इन सारे रिवार्ड्स को परचेस करने के लिए जो आने वाला न्यू गिल्ड सिस्टम, जिसका अलग टोकन रहने वाला है, तो भाई सबसे पहले आप लोग को एक लूट बॉक्स का स्किन मिलने वाला है। इसके साथ आप लोग को एक बैकपैक का स्किन मिलने वाला है 3-2-1 लेवल पे, इस तरह का रहने वाला है। इसके साथ साथ आप लोग को एक मिलने वाला है बिल्कुल में अभी फिलहाल के लिए आपके पास जितनी सारे गिल्ड टोकन है, जिससे डिफरेंट गिल्ड टोकन आने वाले इन सारे रिवार्ड को परचेस करने के लिए, क्योंकि पूरा सिस्टम ही अलग होने वाला है, जिस वजह से गिल्ड टोकन भी अलग ही रहने वाला है। इसके साथ बंडल मिलने वाला है, जो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए एक फीमेल का बंडल रहने वाला है। इस वाले फीमेल के बंडल के साथ साथ एक मेल का बंडल भी आप लोग को मिलने वाला है, जो आप सब लोग यहाँ पे देख लीजिए। इसके साथ आप लोग के गीवीएमपी का स्किन मिलने वाला है, साथ ही
आप लोग को एक MB5 का भी स्किन मिलने वाला है जो आप लोग यहाँ पे देख लो। टोटल 3 गन स्किन रहने वाला है जो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, जिससे आप लोग एक्सचेंज कर पाओगे। साथ ही आप लोग एक ग्लोबल का स्किन मिलने वाला है, इसके साथ आप लोग एक व्हीकल का भी स्किन मिलने वाला है। व्हीकल का भी स्किन आप लोग देख लीजिए, जिसके अंदर एडवुड भी रहने वाले हैं। टोटल का जो 10 से 12 रिवार्ड्स आने वाले न्यू गिल्ड सिस्टम के अंदर जो स्टोर आने वाला है, जिसके अंदर मिलने वाले है। इसके साथ आप लोग ऑलरेडी मैंने बताया है कि आप लोग को बिल्कुल में मिलने वाला है गिल्ड से रिलेटेड स्पेशल रूम कार्ड। तो गाइस ये सारे फीचर्स आप लोग को न्यू आने वाले अपडेट के साथ हमारे गेम के अंदर देखने मिल जाएगा। इससे रिलेटेड जो इवेंट है हमारे गेम के अंदर 31 अक्टूबर जो अपडेट आने वाला है, जिसके बाद ही आप लोग को स्टार्ट देखने मिल जाएगा। बेसिकली बाकी के कुछ इवेंट्स अभी फिलहाल के लिए गेम के अंदर स्टार्ट हो चुके हैं। वीडियो में गाइस आगे बढ़ने वाले हैं और बात करने वाले हैं गेम के अंदर आने वाले काफी सारे और भी इवेंट्स एंड अपडेट के बारे में। तो भाई आने वाले हमारे गेम के अंदर स्पेशल रॉयल जितने सारे रहने वाले हैं, गोल्ड रॉयल, वेपन रॉयल, जिससे रिलेटेड भी अपडेट आ चुका है, मैं आप लोग को काफी पहले ही बताया था। फिलहाल के लिए गेम के अंदर जो गोल्ड रॉयल चल रहा है मेल का बंडल, इसके ही थीम पे आने वाले नेक्स्ट अपडेट के अंदर आप लोग को देखने मिल जाएगा। आने वाले नेक्स्ट गोल्ड रॉयल का बंडल आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग को ये गोल्ड रॉयल का आने वाला बंडल देखने मिलने वाला नेक्स्ट अपडेट के साथ। इसके साथ साथ वेपन रॉयल के बारे में भी बात कर लेते हैं। आने वाला जो हमारा नेक्स्ट वेपन रॉयल है आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ग्रोजा का स्किन आप लोग को नेक्स्ट आने वाले वेपन रॉयल के अंदर देखने मिल जाएगा, जिसके अंदर आप लोग को एटबूट भी देखने मिल जाता है। गिना पीपर ने यहाँ पे जो रिलीज किया है आने वाले पैच अपडेट से रिलेटेड जितने सारे बैनर, जिसके अंदर ये ऑलरेडी बता चुका है गिना पीपर, इसलिए कह रही है जितने सारे अपडेट्स मैं आप लोग बता रहा हूँ 100% कन्फर्म है नेक्स्ट आने वाले हमारे गेम के अंदर गोल्ड रॉयल एंड वेपन रॉयल कन्फर्म हो चुका है। वीडियो में गाइस आगे बढ़ने वाले हैं और 2 दिनों के बाद आने वाला है दिवाली इवेंट, जिससे रिलेटेड कुछ आने वाले इवेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को अब तक देख रहे हो तो वीडियो को 1 लाइक जरूर से कर देना। साथ ही अगर आप लोग ये सारे अपडेट्स अच्छे लग रहे हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को सेट कर रख लेना, क्योंकि आपका भी पर डे आपके लिए ऐसे ही फिर से वीडियो लाता रहता है। अब गाइस आप में से काफी सारे लोगों का क्वेश्चन था कि भाई हमारा जो दिवाली इवेंट आने वाला है, जिसके अंदर हम सभी को मैशअप देखने मिलने वाला या फिर स्पेशल डिस्काउंट इवेंट आने वाला हर बार की तरह, तो देखो गाइस हमारे गेम का डेमो स्लेयर स्पेशल मैशअप ऑलरेडी इस मंथ गिना फीपर ने आप लोग को लाकर दे दिया है। नेक्स्ट आने वाला जो दिवाली का मंथ है, जिसमें आप लोग को लेवल ऑफ शॉप लाकर देने वाला है। इस बार थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग रहने वाला है लेवल ऑफ शॉप का, बट आने वाले नेक्स्ट आने वाला जो हमारा अपडेट है, जिसके अंदर आप लोग को लेवल ऑफ शॉप देखने मिलने वाला है। लेवल ऑफ शॉप के अंदर अभी फिलहाल के लिए बंडल्स कंफर्म नहीं है कौन से बंडल्स रखा जाएगा। 3 बंडल्स डिजाइन किए गए हैं, जिसमें से श्री राम जी का जो बंडल है बिल्कुल में दिया जाने वाला है। एंड दिवाली के जो फीमेल बंडल आने वाला है, जिसे साथ से गिना फीपर आप लोग को लेवल ऑफ शॉप में लाकर दे सकता है। फीमेल बंडल अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो यहाँ पे देख लीजिए पोस्टर के अंदर फीमेल बंडल देखने मिल रहा है। फिलहाल के लिए अभी इससे ही रिलेटेड अपडेट निकल कर आ रहा है, बाकी कुछ अपडेट्स वाले बंडल को लेकर नहीं है। फीमेल बंडल भी काफी प्यारा सा डिजाइन किया गया है। बात करने वाले हैं, आप लोग पूछ रहे थे फीमेल बंडल को भी क्या रिटर्न में डाला जाएगा, तो देखो फीमेल बंडल नहीं रिटर्न में अभी आने वाला है, इससे रिलेटेड स्पेशल इवेंट भी आने वाला है गेम के अंदर, जिसके अंदर आप लोग को फीमेल बंडल रिटर्न में आ जाएगा। इसके साथ कुछ ग्लोबल का स्किन भी आप लोग को लेवल ऑफ शॉप में रिटर्न में देखने मिलने वाला है। साथ ही आप लोग को ट्रॉप कॉल पैरोट भी रिटर्न में देखने मिल सकता है, साथ से आने वाले भी इवेंट के अंदर कुछ ओल्ड वाले फेस्ट का स्किन, साथ ही काफी सारे और भी रिवार्ड्स आप लोग को आने वाले इस वाले इवेंट के अंदर देखने मिलने वाला है। बात करने वाले आने वाले इस लेवल ऑफ शॉप के बारे में, कब तक आप लोग को ये लेवल ऑफ शॉप गिना पेपर इस बार आप लोग को गेम के अंदर ला कर देने वाला है। देखो गेम के अंदर 20 इवेंट भी आएगा, दिवाली 20 इवेंट, इसके साथ लेवल ऑफ शॉप भी आएगा, जिस वजह से गिना पेपर लेवल ऑफ शॉप को 7 से 10 नवंबर तक हमारे गेम के अंदर ला कर दे सकता है। यार दिवाली पास, इसके साथ साथ आप लोग को गेम के अंदर जो आने वाला दिवाली 20 का इवेंट आपसे को दिवाली के पीक डे के टाइम पे गेम के अंदर लाकर गिना पेपर देने वाला है। गेम के अंदर आने वाले जितने सारे बंडल्स एंड गाइस रिवार्ड है, जिससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने आप लोग को काफी पहले ही अपडेट्स बताया था। अगर दिवाली के आने वाले इवेंट से रिलेटेड और भी काफी सारे अपडेट्स आप लोग को जाने हैं तो मेरे ओल्ड वीडियो जरूर से जाकर देख लीजिएगा, वहां पे आप लोग को काफी सारे और भी अपडेट्स मिल जाएंगे आने वाले फ्री रिवार्ड्स एंड गाइस इवेंट्स को लेकर। कल के वीडियो के कुछ कमेंट्स के बारे में आप बात कर लेते हैं, जो आप सभी लोगों करके वीडियो में पूछा है। तो भाई आप लोगों ने यहाँ पे पूछा है भाई गिफ्ट स्टोर में 50% ऑफ आएगा क्या, तो देखो यार गिफ्ट स्टोर में 50% ऑलरेडी मैं आप लोग को काफी पहले बता चुका हूँ, इस बार आप लोग को दिवाली इवेंट में गिना पेपर 100% लाकर देने वाला है, क्योंकि देखो काफी टाइम से गिफ्ट स्टोर में 50% ऑफ नहीं आया है। गिफ्ट स्टोर में जो डिस्काउंट है आप लोग को दिवाली के पीक डे के दिन देख लिया मिलने वाला, 7 से 1 दिनों के लिए रहने वाला है। तो भाई अगर आप लोग काफी सारे रिवार्ड्स को अपने मेन आईडी में भेजना चाहते हो तो भाई डायमंड जरूर से सेव करके रख लेना। एंड आज के वीडियो में बस इतना ही अपडेट्स, आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही इस चैनल पर न्यू आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को सेट कर रख लीजिएगा। मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, बाय गाइस।